सहाफी जमाल खाशकजी की मंगेतर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तुर्की में कत्ल किए गए सऊदी सहाफी जमाल खाशकजी की मंगेतर खदीजे चंगेज ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर जमाल खाशकजी के कत्ल का हुक्म देने का इल्जाम आयद करते हुए मुकदमा दायर किया है। मंगल के रोज वाशिंगटन डीसी में दायर किए गए इस मुकदमे में तुर्क शहरी खदीजे चंगेज ने जमाल खाशकजी की मौत पर जाती चोट और माली नुकसान का दावा किया है। ताहम सऊदी वली अहद ने जमाल खाशकजी के कत्ल का हुक्म देने के इल्जाम की तरदीद की है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत के नाकिद खाशकजी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर 2018 में कत्ल किया गया था। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि जमाल खाशकजी को मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक कत्ल किया गया था। दायर मुकदमे में कहा गया है कि इस कत्ल का मकसद वाज़े था, अरब दुनिया में जमहूरी इस्लाहात के लिए जमाल खाशकजी की अमरीका में काविशों को रोकना। खाशकजी के इंसानी हकूक के ग्रुप डेमोक्रेसी फॉर अरब वर्ल्ड नाउ डॉन का कहना है कि इनके काम में रुकावट आई है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट की खबरों के मुताबिक मंगल के रोज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में खदीजे चंगेज और डॉन के वकला ने कहा कि इस मुकदमे का मकसद एक अमरीकी अदालत का वली अहद शहजादे को कत्ल का जिम्मेदार ठहराना और इन दस्तावेजात का हुसूल है जिनसे हकीकत जाहिर हो। खदीजे चंगेज ने एक बयान में कहा है कि जमाल का ख्याल था कि अमेरिका में कुछ भी मुमकिन है और मैं इंसाफ और एहतसाब के हुसूल के लिए अमेरिका के निज़ाम अदल पर एतमाद करती हूँ।